केंद्र सरकार में मंत्री और ओडिशा के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजीव गांधी के नाम पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी के नाम पर कोई भी चुनाव लड़े मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है संपादक रूपेश गुप्ता ने। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और ओडिशा के प्रभारी टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच में क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है और किस तरीके के जो बयानबाजी चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी आप शायद झारखंड भी जा रहे हैं, वहां भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी, पार्टी की तरफ से सूचना आई थी कि वहां के भी हमारे प्रभारी महामंत्री जी, उनको भी चुनाव यूपी में लड़ना है, आरपीएन सिंह जी को, तो उनकी अनुपस्थिति में मुझे कहा गया था कि आप बालाकोट से बीजेपी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और राजीव गांधी पे आकर के टिक गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं उसको कांग्रेस किस नजरिए से लेती है, और खासतौर से जो कल उन्होंने गालियों का एक सिलसिला चल पड़ा है कि मुझे गाली दी गई, उन्होंने अपमान किया, तो काउंटर में मोदी ने यह कहा कि मुझे भी 20 तरह की गालियां दी गई। मेरे को तो एक भी गाली याद नहीं आती, कोई गाली मोदी जी को दी गई हो, मुझे तो कोई गाली याद नहीं आ रही। ये बात जरूर है कि चौकीदार की जब बात होती है तो पब्लिक खुद ही उसमें रिस्पॉन्ड कर रही, और उसका कारण है जिस तरह से राफेल डील को उन्होंने लोगों को अपने साथ अप्रत्याशित तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यापारी जा रहे हैं और डील्स कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के कमरों के बगल में उसी होटल में रह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे डील्स कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात आई, यूरोप में भी ये बात आई, फ्रांस में भी ये बात आई, अमेरिका में भी ये बात आई, तो उस बात को देश के नागरिकों के सामने अगर विपक्ष नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? वो अगर उनके लिए गाली है तो फिर उनको गाली की परिभाषा नहीं मालूम। मोदी जी को बहुत कुछ नहीं मालूम, कभी वो अफगानिस्तान बोल देते हैं, कभी नालंदा कहाँ है बोल देते हैं, कभी कुछ कहाँ है, इतिहास के बारे में भी लगता है कि बहुत ज्यादा शाखाओं में उनको सही ज्ञान नहीं मिल पाया, तो उनके बयान अपने इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन सर, इन बातें राजीव जी के लिए ये बातें कहना जो विद्यमान नहीं है, जो दिवंगत हो गए हैं, क्या मोदी जी के वो सारे कारनामे 5 साल में देश को आगे बढ़ाने के खत्म हो गए कि उनको पुलवामा के बाद, और पुलवामा भी नहीं चला तो राजीव जी को याद करना पड़ रहा है? वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मेरे जैसा आदमी राजीव जी के नाम पे चुनाव वो लड़ लें वो हार जाएंगे, मोदी वर्सेस राजीव जी का चुनाव कर लें और किसी भी चेहरे को सामने कर दें वो चुनाव हार जाएंगे, राजीव जी के सामने वो टिकेंगे? जो वो खुद सेल्फी लेते हैं मोदी जी, वो राजीव जी की देन है। आज दूरभाष का इतना विस्तार हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था को आईटी का सेक्टर संभाले हुए है, वो उन राजीव गांधी की देन है जिन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, 20वीं सदी का सपना देश को दिखाने की बात जिस राजीव गांधी जी ने की थी, तो ये और इनके दल के लोग कहते थे बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट में गए थे। ये वो लोग हैं जो आज राजीव जी का नाम लेके लड़ लें चुनाव, मोदी जी जमानत जब्त हो जाएगी, राजीव जी के नाम पे लड़ लें जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, वो लेकिन वो कहते हैं कि नाली का कीड़ा और जो सोनिया गांधी ने बोला था मौत का सौदागर, इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं कि उनके लिए प्रयुक्त हुआ। ये गाली नहीं है, मौत के सौदागर का एक उपमा का इस्तेमाल अवश्य हुआ था और उस परिस्थिति में हुआ था जब गोधरा में बड़ी हिंसा हुई थी, 2-3 हजार लोगों को मारा गया था, और उन शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ था, परिणाम भी आए थे। कांग्रेस को बड़ी सफलता गुजरात में नहीं मिली थी, हालांकि गोधरा को कोई नहीं नकार सकता, और आज बहुत सारे तथ्य गोधरा के बारे में सामने आ रहे हैं जो कि दबाए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, देश दुनिया जानती है। अमेरिका ने तो इनको पासपोर्ट इनका रद्द कर दिया था गोधरा के नाम पे, ये वही मोदी जी तो हैं, बन गए प्रधानमंत्री। थी कि भाई बुला रहे हैं, काम धंधा करना है तो चलो, वो ने रिवोक किया, लेकिन वही अमेरिका है जिसने इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था कि हमारे देश में ये नहीं आएंगे। तो सोनिया जी का जो बयान था कुछ तथ्यों के आधार पे था, लोगों ने स्वीकारा नहीं स्वीकारा उसको एक अलग बात है, गाली नहीं थी। अपना एक क्वेश्चन बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे
टीएस सिंहदेव साहब जो अब उड़ीसा के बाद झारखंड में प्रचार के लिए जाने वाले हैं, इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो काफी महत्वपूर्ण है। पहली कि उड़ीसा में कोई ये कह देता है कि वो बातचीत कर रहा है और कोई नहीं कहता है, लेकिन बातचीत चलती रहती है। संकेत दिए उन्होंने कि बातचीत बीजू जनता दल से कांग्रेस पार्टी की भी चल रही है। और दूसरी चीज उन्होंने चैलेंज किया है नरेंद्र मोदी को कि राजीव गांधी के नाम से उनसे चुनाव लड़ लें, वो मोदी को हरा देंगे। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।